नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी परासर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल पाठक की नज़र से। तो आज की खबरें इस प्रकार हैं। छपरा ताजपुर एक माह मुख्य सड़क के पुनर्निर्माण के कुछ महीने बाद जर्जर हालत में पहुंच जाने से आक्रोशित क्षेत्रीय ग्रामीणों ने शुक्रवार की सुबह ही सरयू पार के समीप चौराहे को जाम कर दिया और विभागीय पदाधिकारियों को बुलाने की मांग करने लगे, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। शांति व्यवस्था को लेकर माझी थाना पुलिस ने पहुंच ग्रामीणों की मांगों के बारे में जानकारी ली और विभागीय जेई से बात की। ग्रामीणों ने बताया कि 2020 के विधानसभा चुनाव के पूर्व शुरू किए गए ताजपुर एकमा सड़क का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है। सड़क का निर्माण दो पार्ट में समय सीमा के अंदर होना था। ताजपुर से सरयू पार तक एक पार्ट में बनी सड़क का पुनर्निर्माण कार्य हाल ही में पूरा हुआ है, लेकिन ठेकेदार द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं कराने व कार्य में लापरवाही बरतने के कारण सड़क 4 माह बाद ही उखड़ने लगी है। वहीं सरयू पार से एकमा के बीच दूसरे पार्ट की सड़क को जेसीबी की सहायता से पूरी तरह से उखाड़ कर बेतरतीब स्थिति में छोड़ दिया गया, जिससे धूल उड़ने व ऊबड़ खाबड़ गड्ढों के कारण इस सड़क से होकर गुजरने वाले यात्रियों, वाहन चालकों व क्षेत्रीय ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। सड़क पुनर्निर्माण कार्य में अस्पष्ट दिख रहा है कि विभागीय पदाधिकारियों से मिली भगत कर जनता के रुपये की लूट की जा रही है, जिसकी उच्च स्तरीय विभागीय जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। जनता को हर हाल में गुणवत्तापूर्ण बनी अच्छी सड़क चाहिए। हमारी मांगों पर अविलंब उचित कदम नहीं उठाया गया तो ताजपुर एकमा सड़क को लेकर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बाद में RWD के JE धनंजय कुमार धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों के मांग से संबंधित बातें सुनी। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि विभाग के वरीय पदाधिकारियों ने भी पूर्व में सड़क का निरीक्षण किया है और वे स्थिति से अवगत हैं। ताजपुर से सरयू पार तक पार्ट एक में बनी सड़क जहां जहां खराब हुई है, संवेदक से अविलंब उसकी मरम्मत कराई जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि सरयू पार से एकमा तक पार्ट दो में, जिसका डिवीजन व संवेदक अलग है। छपरा माझी से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। नहीं तो जरूरी मालो चाहे गिट्टी कोई के भी जाता है, रोड से जाता है। सर आपको इस पर क्या कहना है? हमारा कहना है जो रोड अच्छी बनना चाहिए, सरकार का भी ऐसा ही प्रावधान है, जो भी काम हो अच्छा हो, स्वच्छ हो, इससे आम जनता की सुरक्षा है, भलाई है, आम जनता का मांग है, ये आगे हम लोग बढ़ाएंगे। हम लोग का मांग जायज है ना? बिल्कुल जायज है, बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से भी हम लोग कर रहे हैं। जो भी काम होता है बढ़िया हो, स्वच्छ हो, ये हमारा सरकार का मॉनिटरिंग भी है जो अच्छा काम हो, अच्छा होना भी चाहिए। बगल वाले सड़क के लिए हम लोग प्रशंसा करते हैं, इसके लिए हम लोग धरना पर बैठे हैं। तो अच्छा अच्छा है, अच्छा होगा, अच्छा अच्छा तो अच्छा कोई बिल्कुल। निर्माण करने वाले मुर्दाबाद, सड़क निर्माण करने वाले कराने वाले मुर्दाबाद, ठेकेदार के द्वारा नहीं, अभी कम्प्लीट इस पर और काम चलेगा, इस रोड पर काम चलेगा, आगे यहीं तहीं काम बाकी है। हाँ। तो जो काम बाकी है तो करेंगे ना, मान ये काम चल रहा है तो काम सही चल रहा है कि नहीं, बीच में आप जांच नहीं करेंगे? देखिए जब ये कार्य हो रहा था तो हम लोगों का पोस्टिंग इलेक्शन में था और 2-3 महीना हम लोग उस कार्य में डिस्टर्ब रहे हैं और उसी दरमियान यह कार्य चल रहा था, तो अब चुनाव का कार्य भी हमको देखना था और इधर का भी कार्य देखना था, समझ गए बात?
उस समय देखिए आप लोगों की तरफ से आज जो धरना प्रदर्शन किया गया, हम बहुत खुश हैं कि आप लोग हमको बुलाए, हम आए भी, हम नहीं आते तो हमको लगता, आप लोगों को लगता है कि जय साहब की तरफ से कुछ कमी है, तब तो नहीं आ रहे हैं, हम आए, आप बुलाए, हम आ गए, तो उस कमी को सुधारने के लिए ऑलरेडी आप लोगों को कहने के पहले हम लोग संवेदक को बोले हुए हैं। इसको फिर दोबारा बनाया जाएगा, पूरा कीजिएगा, हम लोग चाहेंगे कि कितना दिन में, हफ्ता 10 दिन में इसको कर देगा वो, कहां से कहां तक कीजिएगा, जहां जहां ये कमी है, जो सरफेस जो ये हुआ है, उस सरफेस को सुधारेगा, सुधारिएगा, बिल्कुल सुधारेगा। आपको चंदौपुर में जाइए तो इतना बड़ा गड्ढा है, चंदौपुर वह तो कार्य ही अभी नहीं हुआ है, उसके लिए पीसीसी का मांग लोग किए थे, क्षेत्रीय जनता लोग पीसीसी का मांग किए थे, उसके लिए रिवीजन का फाइल भी गया हुआ है, अब आप लोग बोलेंगे जो है कार्य, तो वहाँ पर रिवीजन इसमें थ्रो आउट था बीटी पोर्सन, समझ गए ना, एस्टिमेट में शुरू से जीरो से लेकर के एंड तक के बीटी कार्य करना था, लेकिन वहाँ पर ग्रामीण शायद धरना प्रदर्शन उस समय भी, उस समय हम नहीं थे, दूसरे जय थे, तो बताया कि जो है यहाँ पर पीसीसी का मांग कर रहे हैं, तो उसका रिवीजन के लिए मतलब री एस्टिमेट की मतलब ई हो, तो विभाग से रिवाइज नहीं हो रहा है कोई एस्टिमेट। सर हमारा पीपू रोड के किनारे जब आपका घर रहता, और ये सरगुपात की बात छोड़िए, थोड़ा धूल कम उड़ता है, उसके आगे बढ़िए, तो आप अपने संवेदक को ये आदेश सुन लिया जाए, हमारा भी एक अधिकार क्षेत्र होता है, ये थानेदार है, इनका भी अधिकार क्षेत्र है, दूसरे थाना में जाके कार्य नहीं कर सकते, तो हमारा अधिकार क्षेत्र बस यहीं तक है, यहीं तक है, हाँ, सॉरी सॉरी। और सुन लीजिए, पार्ट वन यह है, शाहपुर से अभी ताजपुर से लेकर के सरजू पार्क, समझ गए ना, आगे पार्ट टू है, पार्ट टू अब उसका कॉन्ट्रैक्ट है, डिवीजन है, ऑफिस बदला हुआ है, डिवीजन टू है, एक बिजनेस दूसरा है, एक ही दूसरा है सर, एक जवाब दीजिए ना, अब यही है, स्पॉट पर जाकर एस्टिमेट बनाते हैं कि छपरा चन्नव गांव में इतना पानी लगता है, एक बच्चा बच्चा भी जानता है कि वहाँ नरक जैसा हो गया है, तो एस्टिमेट बनाते समय वहाँ सुनिए, एक मिनट हमारा सुन लीजिए, एस्टिमेट बनाते समय वहाँ फिर सीसी का प्रोविजन कम नहीं हुआ कि आज रिविजन का बात आ गया, ठीक है आपका, मैंने हम गलत बोला है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम आपके बात से सहमत भी हैं, हम एक लाइन और इसके पहले जो बोले कि पहले जे ही दूसरे थे, अभी हम आए हैं, नहीं गलत बोल रहे हैं, आपने नापी की, आपने स्क्रेच डाला है सर, ये गलत बोल रहे हैं आप, नहीं अरे पेपर प्रमाणित है ना, पेपर पर प्रमाण है ना, सत्ता का दुरुपयोग हुआ, अब बात को सुनिएगा समझिएगा, नहीं देखिए उस पर आप कह रहे हैं कि नापी किया था, अभी ना हम किए हैं, आपने मैं देखा हूँ आज से आपने बात इधर कह रहे हैं धूल रहा है, चंदौपुर के लोगों को बहुत परेशानी है, वहाँ पर भी धूल रहा है, बात को पहले समझ लीजिए, ताजपुर से